ये दोनों फ्री हो जाते हैं। तो इसको ड्रिल मशीन में लगाना कैसे है? जितना ये नासा का साइंटिफिक टूल लग रहा है देखने में, उतना ही इसको आसान है यूज करना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फन बॉक्सिंग में। और फन बॉक्सिंग क्योंकि फन भी जरूरी है, और आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करने के लिए लेके आया हूँ एक एडजस्टेबल सर्कल कटर। ये कैसा कटर है, कैसे काम करता है, तो ये सब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। अगर मैं इकट्ठा करने लग जाऊंगा तो इस कचरे से हमारा पूरा घर भर सकता है। कोई सेंस है इस बात की? तो ये है वो कुछ कटर जो मैंने अमेजोन से मंगाया है, तो वो बॉक्स कर देता हूँ मैं साइड में। और ये तो काफ़ी वजन वाला है, काफ़ी हैवी है। मैंने अमेजोन में देखा था तो मुझे देखने में क्वालिटी कुछ खास नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने फिर भी इसको मंगाया, पर ये रियल में काफ़ी हैवी मेटल का है। तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी। तो वैसे तो सर्कल काटने के लिए और भी कटर अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि ये कोने वाला, इसको बोलते हैं सॉ कटर। लेकिन इस सॉ कटर में क्या है कि एक फिक्स कटिंग का व्हील आता है जिसमें आप उसी साइज कटिंग कर सकते हो। लेकिन इस एडजस्टेबल कटर में क्या है कि आप साइज को एडजस्ट कर सकते हो, जितना बड़ा आपको सर्कल चाहिए आप उतना ही बड़ा कट कर सकते हो इसके अंदर। तो फटाफट से खोल लेते हैं। तो ये है इसकी मेन बॉडी जो कि कम से कम 300 ग्राम की है, इतनी हैवी। यहाँ ऊपर से नट को ढीला करने के बाद ये दोनों फ्री हो जाते हैं, जिससे आप इसके सर्कल को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इधर इसके लगे हुए ब्लेड, बीच में ड्रिल बिट, और ये सेंटर पंच, ये किस काम आता है ये भी मैं यूज़ करके बताऊंगा। तो इसको ड्रिल मशीन में लगाना कैसे है? बहुत ही सिंपल है। जितना ये नासा का साइंटिफिक टूल लग रहा है देखने में, उतना ही इसको आसान है यूज़ करना। सबसे पहले आपको घर के अंदर की कोई भी ड्रिल मशीन उठा लेनी है और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देंगे। ये देखिए यहाँ से इसका मुँह बड़ा हो गया, इसको यहाँ पे ऐसे डाल देंगे। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, ये देखिए भी फुल बड़ा हो गया। और यहाँ से ये इसके अंदर फिट हो जाएगा, ये देखिए। और इसको फिट करने के बाद इसकी की हेल्प से इसको फुल टाइट कर देंगे। तो अब ये फुल टाइट हो गया है। तो अब जैसे ड्रिल को ऑन करोगे ये घूमने लग जाएगा, और इनको एडजस्ट करने से इसका जो सर्कल है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कटिंग करने के लिए। तो ये तो हो गई बहुत सारी साइंटिफिक बात, अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि सच में कटिंग करता है या नहीं। ये प्लास्टिक, वुड या फिर और किसी मटेरियल को भी काट सकता है। वैसे कंपनी बोलती है कि इससे मेटल भी काट सकते हैं, लेकिन इसके टूल को देखने के बाद मैं तो कहूँगा कि मेटल को ना ही काटो तो अच्छा है। सिर्फ लकड़ी और प्लास्टिक के तक ही रखो, या फिर सनबोर्ड वगैरह वो भी इससे आप काट सकते हो, एक्रेलिक भी इससे काट सकते हो। तो चलो फटाफट से काट के देख लेते हैं कैसे कट करता है ये। इस तरह के कटर से आप 30 mm से लेकर 120 mm तक की ड्रिल कर सकते हो, यानी कि 30 mm से लेकर 120 mm तक का सर्कल काट सकते हो। चलो फटाफट से काट के देखते हैं कैसे कटिंग होता है। यह है एक सनबोर्ड का टुकड़ा, इसमें सबसे पहले एक सेंटर पंच की मदद से पंच कर लेंगे। जहाँ पे पंच हुआ है वहीं पर हम इसको चला के देखेंगे। पहले इसको मैं चला के दिखाता हूँ, हमें देखिए काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो गाइज ये है आधे घंटे की मेरी मेहनत का नतीजा। सारी एक्रेलिक शीट टूट गई, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इसको इसने फाड़ दिया। इधर लकड़ी भी आप देख लो, लकड़ी का भी क्या हाल करा है। तो ये यूज़ करना बहुत मुश्किल है, उतना ही इसको आसान है यूज़ करना। और आप अगर आप सोच रहे हो कि आप घर में यूज़ करके इसका कुछ काम कर लोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। कोई प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ कर सकते हैं तो मुझे पता नहीं है, बाकी ये घर में यूज़ करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई मेरी तरफ से ये बिल्कुल बेकार है गाइस, इसको मत लेना। अगर आप DIY या कोई घर के काम के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, मैं खुद इसको यूज़ नहीं कर पाया जबकि मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है औजारों के बारे में, टूल्स के बारे में।
तो मैं खुद इसको अब वापस रिटर्न कर दूंगा अमेजोन पे। तो ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा खास काम का नहीं निकल रहा है। बाकी आप लोग सोच सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप चला सकते हो, तो आप इसको बाई कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप भी इसको नहीं यूज़ करना चाहते तो मत करो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।